गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल नूब गेमर वीजी के अंदर। तो गाइस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हैं आपका 24/7 ऑनलाइन सर्वर, वो भी नो लैग। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सर्वर को ज्वाइन कर लिया है और लोकेटिंग सर्वर भी आ चुका है एंड यहाँ पे मैं ज्वाइन भी कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोडिंग आ चुका है और देखिए गाइस कितना स्मूथ चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस ऐसा सर्वर रहेगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे आप लोगों को एक डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी एंड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को चले जाना है वेलकम में एंड वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा आपका क्लाइंट। तो क्लाइंट पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एंड देन लॉगिन विद डिस्कॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों को आपका जीमेल और पासवर्ड बोलेगा। तो जिस जीमेल आईडी से आप लोगों ने डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर रखा है वो वाला डिस्कॉर्ड आप लोग डाल सकते हैं, तो वो वाला मैंने डाल दिया है। अब आप लोगों को वो बोलेगा कि ऑथराइज करिए, तो ऑथराइज पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद फिर ये आपका ऑथराइज करेगा एंड देन फिर आप लोग आ जाएंगे होम पेज पे। एंड होम पेज पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सीपीयू है, कितना ज़्यादा रैम है। ये मैंने बढ़ा रखा है लेकिन आप लोग भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को AFK पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बढ़ा के कॉइन्स कमा के और शॉप से खरीद सकते हैं। तो बहुत इजी है और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले न्यू सर्वर पे क्लिक करना है एंड देन आप लोगों को लोकेशन आपका जो मर्जी आप रख सकते हैं। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम रख लिया है एंड देन उसके बाद आप लोगों को अपना आप कौन से में खेलते हैं, तो मैं खेलता हूँ माइनक्राफ्ट बेडरॉक में एंड देन आप लोगों को पॉकेट माइन एंड बेडरॉक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे वैसे आप लोग जो भी आपको रैम डालनी है आप लोग डाल दीजिए एंड CPU डाल दीजिए और डिस्क डाल दीजिए। और जैसे ही आप लोग वो डाल देंगे एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नीचे आके उसको क्रिएट सर्वर कर देना है। फिर आप लोगों को 3 डंडे पे क्लिक करना है एंड देन आप लोगों को रीजनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है एंड देन आपका पासवर्ड आ जाएगा, तो आप लोगों को उसको कॉपी कर लेना है एंड जिस आईडी से एंड देन उसके बाद फिर जाना है आपको वहीं पर ही एंड वहाँ पर आप लोगों को सबसे नीचे पैनल दिख जाएगा, तो आप लोगों को उस पर क्लिक करना है एंड देन उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बोलेगा जीमेल और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड सॉरी, तो उसमें आप लोगों को आपका जीमेल और पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, जिस आईडी से आप लोगों ने लॉगिन किया था इसमें उसका जीमेल डाल देना है एंड जो भी अपने पासवर्ड कॉपी किया था वो डाल देना है। तो अभी ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन का बोलेगा, तो यहाँ पे जो भी आपको बोले वो सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिएगा। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, तो मैंने अपना उसका नाम चावर SMP रख दिया था एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग कितनी स्मूथली, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये चालू हो जाएगा। देख लिए सर्वर मार्क डेज रनिंग। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय।